हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज गणेश चतुर्थी, तो सबसे पहले तो आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत 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 शुभकामनाएं। और हम भी अपने घर पे गणपति जी लेके आने वाले हैं आज, तो अभी नहा धो के तैयार हैं, बस मुझे रेडी होना है। चेंज मैंने नहीं किया था क्योंकि मुहूर्त का समय नहीं हुआ था, तो मुहूर्त का समय हो चुका है, तो अभी मैं पहले तैयार हो जाती हूँ, फिर मिलते हैं आपसे। A few moments later, guys, मैं हो चुकी हूँ रेडी और आज मैं बिल्कुल एकदम महाराष्ट्रियन स्टाइल में रेडी हुई हूँ। अरे देखो, पीछे से रोना धोना चालू है क्योंकि दोनों भाई लड़ पड़े हैं, स्कूल गए नहीं है। और ये मैं न देखो, जब मैं मुंबई गई थी घूमने, तो ये इकलौती चीज मैं उस ट्रिप से लेके आई थी अपने लिए। बच्चों को जाओ, चलो गणेश जी से हम शिकायत करेंगे भाई की, आओ इसको मोदक नहीं देंगे। नोनू का बच्चा स्कूल नहीं गया, कह रहा मेरा आज फेवरेट फेस्टिवल है, मोदक खाऊंगा मैं, इसलिए स्कूल नहीं जा रहा। और सोना की तो आज ऑलरेडी छुट्टी थी, लग रही हूँ ना बिल्कुल एकदम महाराष्ट्रियन। हमारी मम्मी कह रही है हरियाणा की जाट नहीं लगी मेरी आज, तो एकदम ऐसा लग रहा है महाराष्ट्र से ही कोई आ गई है उठ के। तो गाइस, इसका बाजा तो अभी बजता ही रहेगा। अब हम जा रहे हैं अपने गणेश जी को लेने। चल बाबू, गणपति जी को लाएंगे आज, अब हम मोदक नहीं देंगे भाई को। चलो उसको लेकर नहीं जाएंगे हम गणपति जी लेने। चलो भाई, चलो चलो चलो। और ये हमारी डेकोरेशन भी एकदम रेडी हो चुकी है, बस गणेश जी का इंतजार है। आओ आओ आओ, चलो 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 पलटन चलो। और गाइज, हमारा ढोल वाला भी आ चुका है गणपति जी के स्वागत के लिए। एक जगह खड़ा होके बजाना, नाच रहा है ये ढोल बजाएगा, मम्मा गणपति लाएगी, है ना बहुत अच्छा ढोल बजाया तुमने तो, पैसे भी लेगी क्या ढोल बजाने के? नया ढोल वाला बुक करा गाइस। ये अगर बुकिंग करनी हो किसी को इस ढोल वाले की, तो कमेंट कर देना बाद में, अभी नहीं। ये अभी से ही नहीं, पहले घर भगवान जी को आने तो दो, खा लेना बाद में खाना, लेकिन जो खाना ठीक है। सारी तैयारी हो चुकी है, चलो अब चले इसको ये खाऊंगा वो खाऊंगा, और किसी चीज की परवाह नहीं है। गुलाब जामुन समझ रहा है ये, आलू बुखारे का गुलाब जामुन समझ रहा है, कह रहा है ये खाऊंगा। तो गाइस, गणपति जी का हमारे रेस्ट हो चुका कंप्लीट, अब हम इनको लेके जाएंगे ऊपर। और देखो, हम ढोल वाले को साथ में लेके आए हैं। ढोल वाले ढोल बजा, ये दोनों तो इकट्ठे होते ही लड़ना शुरू कर देते हैं। ढोल वाले ढोल तो बजा। सुनो, पैसे किस बात के लेगा बेटा? बजा तुम्हारे बात के, बजा के देखो। डांस कर रहे हो कि बजा रहे हो? सुना, हटो ना आगे से बेटा, एक मिनट। क्या रे, क्या रे, सुंदर लग रहे हैं ना? अमन का एक हाथ है, कितने प्यारे लग रहे हैं हमारे गणेश जी। अमन का एक हाथ है, एक हाथ है। बोलो गणपति भगवान की जय। गणपति की मम्मी की, गणपति जी के पापा की, सबकी जय। गणेश जी ला रहे हैं तुम्हारे साथ ही, धीरे धीरे आ रहे हैं गणपति जी के पीछे पीछे साथ ही आ रहे हैं। ढोल वाले, तुम्हारा काम पूरा हुआ, पैसे देंगे। चेक लोगे कैश? गणेश देवा
माता जाकी पार्वती पिता महादेवा एक दंत दयावंत चार भुजधारी माथे सिंदूर मुसे की सवार जय गणेश गणेश जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा गए हमारे गणेश जी सारे फूल माला कपड़ों में सब छुप गए। बिल्कुल मुंह के पास जाके बजाएगा। गाइस गणपति जी की स्थापना हो गई है और स्थापना होते ही मैं फटाफट भागी भागी आई हूँ ऊपर क्योंकि मुझे ऑफिस का काम करना है कुछ अर्जेंट और गुठली मारे जा रही थी ऑफिस के काम से थोड़ी देर बोल के बट अभी करना ही पड़ेगा काम। गाइस काम करते करते मैंने निकल के देखा बाहर मौसम देखो क्या बढ़िया हो रहा है ठंडी ठंडी फुहारें आ रही हैं मस्त मौसम हो गया एकदम और 5 बज गए हैं मौसम एकदम मस्त हो चुका है ठंडी हवा आ रही है बाहर से वो तो मैंने एकदम निकल के देख ही लिया कि क्या चक्कर है। तो गाइस शाम हो गई है ऑफिस का काम खत्म लॉग आउट कर चुकी हूँ मैं चेंज किया मैंने जस्ट अभी और कितना भी तामझाम पहन लो ना बस दुखी हो जाते हैं और अपना सूट पहन के जो रिलैक्स मिलता है ना बस उसकी तो बात ही अलग है। तो मैंने अभी चेंज कर लिया अब मैं सिर्फ 10 से 15 मिनट थोड़ी सी कमर सीधी करूँगी और उसके बाद नीचे जाऊंगी। गाइस मैं आ चुकी हूँ नीचे और डिनर बन चुका है आज रोटी खाने का मन नहीं था तो पुलाव बनाए हैं मैंने और उसके साथ ये बनाया है टोमेटो सूप। गणपति जी की शाम की पूजा हो चुकी है और बच्चे खेल रहे हैं लूडो और ये कर रही है इनकी रखवाली ताकि ये लड़े ना आपस में अगर कोई इनके पास बैठेगा नहीं तो ये लड़ लड़ के एक दूसरे को मारते रहेंगे। गाइस डिनर की प्लेट हो गई रेडी और सबसे पहले हम भोग लगाएंगे अपने भगवान जी को। ये देखो गाइस नया शेफ घुसा हुआ हमारी किचन में क्या बना रहे हो नोनू तुम सूप किस चीज का सूप है ये पता नहीं। क्या बना रहे हो जब तुझे पता ही नहीं है कि क्या है इसके अंदर किस चीज का सूप है तो तू बना क्या रहा है ये बता। ये पैकेट वाला सूप है पैकेट वाला सूप नहीं है ये नहीं इसमें पानी डालना पड़ता है। नहीं बेटा मैंने टमाटर से बनाया है टमाटर से बनाया बेटा देख सबूत भी है अभी तो ये देख टमाटर के छिलके ये देख मिक्सी तो मैं बना रहा हूँ तुम्हें सिर्फ टमाटर काटना तुझे तो पता भी नहीं था किस चीज का सूप है। देख लो गाइस ये बच्चा ऐसे पागल बना रहा मुझे है चल हो गया चल गैस बंद कर दे आती है तो गैस बंद करनी दिखाइयो करके यस वेरी गुड शाबाश। तो गाइस काम हो चुका है सारा खत्म और अब टाइम है गणेश जी को गुड नाइट करके सोने जाने का और बस रात की जोत मम्मी संभालेंगी रात की जिम्मेदारी मम्मी की और दिन की भी मम्मी की जिम्मेदारी जोत को संभालने का काम मम्मी का ही है। तो ये देखो हमारा सोना बच्चा क्या कर रहा है दिखाती हूँ अभी ये देखो गणेश जी के पास पेंसिल और कॉपी रख दी है इसने सोने क्यों रखी है तुमने ताकि रात को थोड़ा पढ़ लें इसलिए रखे हैं गाइस ताकि गणेश जी रात को थोड़ा पढ़ लें एग्जाम्स आपके हैं आपको पढ़ना चाहिए हम एक दो चीजें देख लेंगे ना कि क्या होते क्या नहीं। अच्छा मुझसे कह रहा गणेश जी स्कूल तो जाते नहीं होंगे मेरे से कह रहा मेरे से तो छोटे हैं सुना तेरे से छोटे नहीं है तेरे से बड़े हैं गणेश जी तू 5 साल का है गणेश जी हमारे 7 साल के हैं। गाइस हमारे गणेश जी 7 साल के हो चुके हैं ये 7वें बार है जब हम गणेश जी को अपने घर लाए
तो हमारे गणेश जी हो चुके हैं 7 साल के। और तो जैसे जैसे इनके साल बढ़ते जा रहे हैं ऐसे ऐसे इनकी मूर्ति का कद भी बढ़ता जा रहा है ना गणेश जी। देखो आंखें देखो कितनी सुंदर, गंदी बात बेटा, आंखें देखो कितनी सुंदर है ना, ऐसे लग रहा है मैं देख के अभी बोलेंगी आंखें कुछ। तो गाइस अपने गणपति जी को हमने दिया है सुला और अब हम भी जा रहे हैं सोने। गुड नाइट। तो इस व्लॉग को अभी यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करके बता देना वीडियो आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं बहुत जल्द वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।